कि राहुल गांधी जी को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जो लोग बेटियों की इज्जत को, अस्मत को, अस्मिता को रौंद रहे हैं, बुलडोजर नहीं, उनको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने देश को जोड़ने की बात की थी। राहुल गांधी जी को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों की इज्जत को, अस्मत को, अस्मिता को रौंद रहे हैं, बुलडोजर नहीं, उनको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, कैसे वो इस तरह की बात कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि बुलडोजर कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको अगर सजा दी जाती है, मैं तो चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का जो पैटर्न है पूरे देश पे लागू हो। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कुछ लोगों ने तो विवाद भी है, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर आप लेकर? बेमेल निकाह है, जल्दी तलाक हो जाएगा। राहुल गांधी जी को ये बात साफ करनी चाहिए। क्या वो कश्मीर में दोबारा 370 लगवाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं? अफसोस ये है कि राहुल गांधी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने देश को जोड़ने की बात की थी, इसलिए पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अखिलेश यादव जी जैसा नेता, शरद पवार जी जैसा नेता, ममता बनर्जी जैसी नेता, उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर लीडर अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। मायावती ने कमेंट किया है कि सपा और कांग्रेस से उनका कभी गठबंधन नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी ने महन मायावती जी की तारीफ की है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मायावती जी को बना दें, बहन जी को बना दें, हम समर्थन करेंगे।